हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है अनुपात एंड समानुपात का। इसके पहले वीडियो में आपको 1 से 11 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल चुका था। चलिए अब हम लोग 12 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका पार्ट सेकंड है, उसको आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है अनुपात एंड समानुपात के नाम से, सगीर अहमद का। तो उस वाले सेक्शन में जाइए, आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुपात एंड समानुपात क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे सॉल्व फोकस करना है। 11 नंबर, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है। ए बराबर दिया हुआ कितना, 1/3b। ए बराबर 1/3b। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 1/3b। 1/3b दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद भी है कि बी बराबर दिया हुआ है कितना, 1/2c। 1/2c दिया हुआ है। अब बोला गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा, तुम ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जैसे लिखा हो उसको हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ, 1/3b। अगर इस वी को हटाकर हम यहाँ लेकर चले आए तो 1/b बराबर हो जाएगा 1/3, क्योंकि बी यहाँ गुणनफल में था, इसको इधर लाए तो कितना हो गया, डिवाइड में हो गया। तो a/b = 1/3, यानी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना, 3 आ गया। उसी तरह आप देखेंगे सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो b बराबर दिया हुआ है कितना, 1/2c। 1/2c दिया हुआ है ना, यही ना है, 1/2c। इस c को क्या है, गुणा में है, इसको इधर लाएंगे तो b/c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। b/c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, यहां पर b का वैल्यू 1, यहां c का वैल्यू कितना, 2। एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि ए का वैल्यू अलग, बी का वैल्यू, दोनों में तो बी कॉमन है ना, तो दोनों में बी का वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका बी का वैल्यू डिफरेंट है। तो इस वाले सेक्शन में क्या करेंगे हम, इस वाले के मान से, यानी कह सकते हैं कि बी का मान 1 है तो ये पूरे में कितना से गुना करना है, 1 से गुना करना है। अगर यहाँ पर बी का मान 3 है तो ये पूरे में कितना से गुना करना है, 3 से। तो अगर यहाँ से आप गुना करिएगा तो ए का वैल्यू आपको देखिए नजर आ रहा होगा, ए का वैल्यू 1 से गुना करिए 1 आएगा। बी का वैल्यू निकालना है ना, देखिए ये वाले सेक्शन में बी का वैल्यू 3 है, 3 से 1 गुना करिएगा तो कितना आएगा, 3। फिर इधर देखिए बी का वैल्यू यहाँ कितना है, 1 में 3 से गुना करिएगा तो फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर सी का वैल्यू कितना है, 2 में से कितना से गुना करना है, 3 से, तो सी का वैल्यू आपका आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से क्या करिएगा, एक बात तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आपको सबसे पहले जो कॉमन है उसको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए उसके मान से सेकंड वाले कॉलम में और इसके मान से फर्स्ट वाले कॉलम में गुना करना है। तो आपका जो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपका जो आंसर आने वाला ए बी सी का, 1:1:3:6 आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया, चलिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए मिटा दें अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, एकदम तोड़कर समझाया जा रहा है, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे नहीं, बस सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, एक छोटा छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए लाया जा रहा है, जितना आप लोग समझ पा रहे हैं उतना ही वीडियो आपके लिए बनाएंगे। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है यदि, देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, 12 हुआ था ना, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 13 क्वेश्चन दिया गया, यदि ए का 30%, देखिए ए का कितना परसेंट दिया हुआ है, 30%। सबसे पहले ए का 30% को हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो ए का 30% दिया हुआ है बी के 0.25 और वो दिया हुआ किसके बराबर है, सी का 1/5 के बराबर है। ए का जो 30% है, देखो क्वेश्चन में है कि ए का 30% बराबर बी के 0.25 बराबर सी के 1/5 हो तो ए बी और सी का वैल्यू ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए ध्यान से, अगर हम ए और बी को बराबर करना चाहें तो ए का कितना परसेंट, 30%, अगर 30 को सॉल्व करें परसेंट हटाने को तो भागा कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। और ये कितने के बराबर है, तो ये बराबर है कितने के, क्वेश्चन में है बी का कितने के बराबर है, सॉरी बी का मतलब गुना ना, कितने के बराबर है, बी का 25, यानी 0.25 दिया हुआ ना, तो 25 और बटा कितना कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, तो इसको जब काटेंगे तो आपका 1/4 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, बस इसे आप सॉर्ट आउट करिएगा तो ए और बी का वैल्यू, देखिए यहां पर बी गुणनफल में है तो यहां गुणनफल में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। आगे बात देखते हैं, 1/4 आया था, है था ना, और ये 3/10 है, उधर ले जाएंगे तो ये भी भाग में चला जाएगा 3/10। अगर ए और बी का एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे आप तो 1/4 और गुने में 10/3 आ जाएगा 3,
काटिएगा तो दो और फिर काटिएगा तो पांच, यानी आपका जो वैल्यू आएगा 5/5 कितना आ जाएगा 6, यानी ए का वैल्यू आपका 5, बी का वैल्यू कितना आ गया 6। कोई दिक्कत है यहां तक? अगला देखते हैं क्या कहता है। अगला कह रहा है आपका, अगला जो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि बी का 25 यानी बी का 0.25 सी के 1/5 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, बी का कितना है, बी का 0.25 यानी 1/4 लिख सकते हैं, 0.25 को लिख सकते हैं 1/4। 25 बोलते नहीं है, बस बोल रहे हैं आप लोग के लिए 2.25 बोलते हैं। तो देखिए बी का 0.25, 0.25, तो कहने का मतलब उसको डायरेक्ट हम 1/4 लिख रहे हैं। कोई दिक्कत है? उसके बाद वो कितने के बराबर है, सी के 1/5 के बराबर है, सी के 1/5 के बराबर है। तो हम अगर बी बटा सी कर दें, बी बटा सी कर दें, बी बटा सी कर दें, तो आपका जो वैल्यू आएगा 1/5, और इसको डायरेक्ट अगर करना चाहे तो 4/5 होगा नहीं होगा, गुना करेंगे तो, यानी बी और सी का जो वैल्यू आ गया आपके सामने कितना आ गया, बी और सी का जो वैल्यू आ गया अगर इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो बी और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 4/1 होगा, तो ये आ गया 4/5 आपका आ गया। तो बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू कितना 5, यहां पर आपका ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू कितना 6। तो देखिए यहां पर आपको 6 नजर आ रहा है, यहां पर आपका बी का वैल्यू 4 नजर आ रहा है। क्या करना है, बी को दोनों में कॉमन है तो बी को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करने के बोले थे आपको, आप इसे इक्वल करने के लिए, आप कहने का मतलब है कि इसमें भी 12 आएगा इसमें भी 12 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या बताए थे आपको, इसके मान को इसके साथ गुना और इसके मान को इसके साथ गुना। तो सबसे पहले इसके मान को इसके साथ गुना करना चाहे तो भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर बराबर सिर्फ करना है तो आप इस वाले को 2 से गुना कर दीजिए और इस वाले में 3 से गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत है? क्योंकि आप 3 से गुना करिएगा तो 12 हो जाएगा, यहां 2 से भी गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर आने वाला है उस पर ध्यान देना है। देखिए तो यहां से आपका ए और बी का वैल्यू देखिए, ए और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए और बी का यानी ए का वैल्यू यहां देखते हैं तो 5 × 2 कितना आ गया 10, अगर बी का वैल्यू निकालना तो 6 × 2 कितना आ जाएगा 12। यहां पर भी तो बी का वैल्यू 12 है ना, तो हमको सिर्फ सी का वैल्यू चाहिए, तो सी का वैल्यू 5 में 300 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 15, यानी आपका 10, 12, 15 आपका राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आप आंसर का आंसर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लें, आशा करते हैं कि क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 देखना है इस बार, 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, 14 नंबर देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:6, सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ 3:4, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करने के लिए बोला। क्या बताया थे आपको, ए का मान ज्ञात करने बोला है, बी का बोला है, सी का बोला है और डी का बोला है। सजाने कल ही समझाए थे, अगले वीडियो में ही आपको समझाया गया था, क्या था, तो सजाना इस प्रकार है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 लिख दिए, बी का वैल्यू 3 लिख दिए बी के सामने, अगला क्या बोल रहा है, बी का वैल्यू 5 फिर बोला 5, देखिए बी के सामने कोई जगह खाली नहीं ना यहाँ पे, तो नीचे लिखेंगे बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू दिया हुआ आपका 6, फिर देखिए सी का वैल्यू फिर है 3 और डी का वैल्यू है 4, सी का वैल्यू फिर 3 और डी का वैल्यू कितना इसके सामने लिखेंगे 4, देखिए 6 के सामने कोई खाली तो 6, 3 के सामने कोई खाली तो 3 ही रहेगा, कल ही वीडियो में बताए थे, 5 के सामने कोई खाली रहेगा तो 5, अगर 3 के सामने 2 जगह खाली है तो 3, यानी जिसके सामने जो रहेगा वही भरेंगे। अब क्या करेंगे, इसके सॉल्व करेंगे, तो 5 × 10 क्या करते हैं, गुना करते हैं ना, तो 5 × 10 दिया कितना आ गया 30 आ गया, फिर 15 3 × 3 = 9, 9 × 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, उसके बाद अगर देखेंगे तो 3 × 6 = 18, 18 × 3 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 6 × 3 = 18, 18 × 6 कितना होता है 72 हो जाता है। तो इस तरह से हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो ऑप्शन आने वाला है ए बी सी डी का वैल्यू, तो 30, 45, 54 और 72, इसे आप और छोटा कर सकते हैं, तो छोटा करना है तो और कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, अगर 3 से करें तो कर सकते हैं 3 × 10 = 30, 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 18 और 3 से करेंगे तो 24, यानी 10, 15, 18 और 24 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आप करते हैं, पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दम आसान से करेंगे,
ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है कितना, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया 2/9 / 1/3 ये दिया है। उसके बाद अगर देखिए बी और सी का भी दिया हुआ है, बी और सी, अच्छा इसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ए और बी का वैल्यू निकालेगा तो देखिए अनुपात है तो बटा में हो जाएगा ना, अनुपात है तो बटा में हो जाएगा, यानी ए अनुपात बी बराबर लिख सकते हैं 2/9 और गुना में 1/3। बोलिए कोई दिक्कत है, अनुपात का मतलब आपको तो पता है कि बटा होगा, यानी ए और बी का जो राइट यहाँ वैल्यू आ जाएगा तो 2 × 2 = 2 और 9 × 3 कितना आ जाएगा 27। कोई दिक्कत, तो यहां से आप निकालनी है ए और बी का वैल्यू, एक मिनट, 1/3 नहीं 3/1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमने पलटना जा पलटना नहीं, तो 3/ कितना हो जाएगा 1। तो आप देखिए 3 से काटेंगे 3 × 3 = 9 यानी 2/3 आपका आएगा, ठीक है। उसी तरह हम देख लेंगे अगला, तो अगला क्या कहता है, बी और सी, बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो बी और सी का जो वैल्यू है वो आपका है 2/7 / 2/7 / 5/14। अगर इसे हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2/7 और गुणे में करना चाहे तो 14/5 हो जाएगा, अगर काटेंगे तो 7 × 2 = 14 और देखिए सॉल्व करिएगा तो 4/5, यानी आपका यहाँ पर आपका बी का वैल्यू कितना आ गया 4 और सी का वैल्यू कितना आ गया 5। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हटाकर, बोले थे ना बटा है तो ये बटा बी कर सकते हैं, यहाँ पर इसे हटाकर बी बटा क्या कर सकते हैं सी। एक चीज यहाँ चेक करिए, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, क्या बताया थे आपको, इस वाले मान के साथ इसमें और इस वाले मान के साथ इसमें, तो ये 3 को उठाकर यहाँ से गुना कर देंगे और ये 4 को उठाकर इसके साथ गुना कर देंगे, बस सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने में कुछ नहीं है, आप देखिए ए का वैल्यू निकालना है ना, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 4 × 2 = 8, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 4 × 3 = 12, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 5 × 3 = 15, तो यानी 8, 12 और 15 आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, ओ एक मिनट, डी और सी का वैल्यू भी था, डी और सी का वैल्यू था, एक मिनट, हमने सोचा कि ए और बी और सी का वैल्यू है, चलिए कोई नहीं, एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उस पर दे देते हैं, डी और सी दिया हुआ है, डी और सी, तो डी और सी का वैल्यू कितना है, तो डी और सी यानी डी वटा सी लिख देते हैं डायरेक्ट, डी वटा सी, तो डी वटा सी का वैल्यू कितना है, तो डी वटा सी का वैल्यू है 7/10 और अनुपात में दिया हुआ है 3/5, अगर इसे सॉल्व करें तो 7/10 और गुणे में 5/ कितना हो जाएगा 3, तो यह काटिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसको जब काटिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 2। अब बताइए कि कितना आ गया 7/6, तो D का वैल्यू 7 और C का वैल्यू 6। अब देखिए एक A और B का वैल्यू मिल गया, B और C का मिल गया, C और D का ही मिल गया, सॉरी D और C है, लास्ट में क्या है D और C है, D और C है, B और C है, A B C है, चलिए कोई नहीं, क्या बोले थे आपको A B C D का वैल्यू निकालना है, क्या बोला है, अच्छा आंसर क्या निकालने बोला है, A B C D, तो देखिए यहाँ लिख दिए A, यहाँ पर लिख देते हैं B और यहाँ पर C और फिर यहाँ पर D, सजाना बताए थे ना आपको 2 और 3, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 5, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, फिर देखिए डी का वैल्यू, सी का वैल्यू देख लीजिए, सबसे पहले सी का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू कितना है 7, तो सी का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू 7, कोई दिक्कत, बस इसे सॉल्व करिए, यहाँ हो गया आपका 3 और यहाँ हो गया फिर से 3, यहाँ हो गया 5 और फिर यहाँ हो गया 6 और यहाँ हो गया 6 इसके सामने, तो 4, बस इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है, चलिए तो आगे देखें, बस इसे आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, बस प्यारा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 16, उस पर ध्यान देंगे, 16 कह रहा है ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, ए बी और सी लिख देंगे, ए बी से कितना परसेंट अधिक है 40% अधिक है, बी सी से कितना परसेंट कम है 20% कम है, ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, देखिए ए जो है बी से 40% अधिक है, तो ए बी से 40% ना, तो बी को हम अगर मान ले 100 तो इससे 40% अधिक ए है तो 140 हो जाएगा। उसके बाद बोला है बी सी से 20% कम है, बी जो है सी से 20% कम है, तो देखिए यहां से रिलेशन आपको सबसे लास्ट से लेकर चलना पड़ेगा, तो देखिए लास्ट से लेकर चलते हैं,
क्या बोला है, बी जो है सी से, देखिए लास्ट में चलेंगे, बी सी से 20% कम है, बी सी से, तो देखिए सी से ना, तो सी को अगर कितना मान ले, 100 मान ले, तो बी से 20% कम है तो कितना हो जाएगा, 80। अब देखिए आगे क्या कहता है, ए बी से 40% अधिक है, ए जो है बी से 40% अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, 40%। तो अगर इसका 40% अधिक निकालना चाहे, तो 80 का अगर 40% अधिक निकालना चाहे तो 140 हो जाएगा, यानी 80 का 40% अधिक तो 140, और 10 से 10, 10 से 10, तो 14/8 कितना होता है, 14/8, 14/8 बताना है, तो 14/8 कितना हो जाएगा, बरियोत्तल से, यानी 112 आपका आ जाएगा। तो ए का वैल्यू 112, बी का वैल्यू 80 और सी का वैल्यू 100। यहां से आप देख सकते हैं कि बी जो है ए से, या बोल सकते हैं, देखिए फिर से रिलेशन देख लेते हैं, ए बी से 40% अधिक है, तो ए बी से कितना परसेंट अधिक है, 40% अधिक है। उसी तरह देख लेंगे कि सी जो है बी से 20% अधिक है, यानी कहने का मतलब बी जो है सी से 20% कम है, तो बस इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछा है ए और सी का, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 112, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, यानी 56 और बटे में 50, और छोटा करना चाहते हैं तो 28 और 25, ये तो ये आपका राइट आंसर हो रहा है, 28 और 25। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है कि एम का 15% बराबर एन के 20%। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम का कितना परसेंट, का मतलब गुना 17%, सॉरी 15%, तो 15% परसेंट हटाना है, डायरेक्ट हटाएंगे 100 लिखेंगे, 15/100। फिर बराबर लिखा हुआ है एन का कितना, एन का कितना परसेंट, 20% है, 20% के बराबर, बस इसे सॉल्व कर लेंगे, बस इतना ही सजाना था। क्या करेंगे, 5 से अगर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 × 3 = 15 और 5 × 20 = 100। अगर इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1/5। चलिए अब देखेंगे, तो m बराबर m गुना हो गया 3/20 और कटेगा, उसके बाद n गुना 5, अगर काटेंगे तो देखिए बराबर के साइड में कटेगा ना, तो 5/ कितना हो जाएगा, यानी सॉरी 5 से काटेंगे 20 को, तो 4 में कट जाएगा, यानी m का वैल्यू आने वाला है, सॉरी m गुना 3/4 बराबर आ गया आपका n। अगर m और n का वैल्यू निकालना है, तो यहां से m हटाकर हम यहां लिख देते हैं, तो 3/4 बराबर आ गया आपका n/m, तो m का वैल्यू आपका आ गया 4 और n का वैल्यू आ गया 3। तो आंसर पूछा है आपसे m और n का, तो m और n का अनुपात हो जाएगा 4:3, तो आपका राइट आंसर होगा b, 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ए और बी का 5 और 7, सी और डी का लिया हुआ है 2:2a/2a/3b, ए सी और बी डी का वैल्यू पूछा है, ए सी और बी डी का, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है कि ए अनुपात बी का वैल्यू 5:7 दिया हुआ है, 7, कोई बात नहीं आगे देखेंगे। आगे कुछ और कंडीशन दिया हुआ है कि सी और डी का वैल्यू कितना है, तो सी और डी का वैल्यू दिया हुआ है 2a/3b, ठीक है, क्या पूछा क्या है, तो ए सी और बी डी का, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर इसे हम सॉल्व करें तो 2, a का वैल्यू कितना है 5, तो 2 गुना कितना लिख देंगे, 5:3, 3 × 3, और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है 7, सॉल्व करेंगे तो 10:1 कितना हो जाएगा, 21। ये किसका वैल्यू आ गया, सी और डी का, सी और डी का आ गया 10:21, कोई बात नहीं, पूछा क्या है वो देखेंगे। तो पूछा है आपका AC अनुपात BD, कोई बात नहीं, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू आपका 5 है, और सी का वैल्यू कितना है, तो सी का 10 है, बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू आपका 7 है, और डी का वैल्यू कितना है, तो डी का 21 है, बस इसे सॉल्व कर लेंगे, कटने लायक होगा काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 10×5 कितना हो गया, 50, 21×7 कितना हो जाएगा, 21×47 = 50/147 आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2, कोई दिक्कत समझ में आया, तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ते हैं, x/y का वैल्यू दिया हुआ 3 और 2, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ अनुपात 2x² + 3y² अनुपात 3x² -2y कितने के बराबर होगा, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा,
जो दिया हुआ वैल्यू उसको लिख लेते हैं। एक्स और वाई का वैल्यू है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 और 2, तो इसको वैल्यू पुट करके ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा है आपसे 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस में आपका दिया हुआ 2y² बस, ठीक है। आप इसे अब सॉल्व करिए तो 2x² तो 2 के जगह हम 2 लिखेंगे, x का वैल्यू आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 3 का 3 लिखेंगे, y का वैल्यू कितना है तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर करना है तो आपका 4 हो जाएगा, फिर अनुपात, ठीक है। उसके बाद 3 के जगह 3 एक्स स्क्वायर का वैल्यू यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 9, फिर माइनस दिया हुआ है 2 के जगह 2 और y का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर फिर से करेंगे तो 4 आ जाएगा। सॉल्व करिए तो 9 दूना 18 और प्लस में 4 तिया 12, अब इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 9 तिया 27 और माइनस में कितना हो जाएगा 4 दूना 8, अगर इसे सॉल्व करें तो ये 30 हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो ये 19 हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर आने वाला 30:19, कोई दिक्कत है, 30:19 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका डायरेक्ट आंसर मान सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 20, ठीक है कोई दिक्कत। अगला वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग को मौका मिल सके सगीर अहमद बुक का सॉल्यूशन देखने का। ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किए हैं तो, ताकि हर अपडेट आपके साथ पहुंचता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि x और y का वैल्यू दिया हुआ है, x अनुपात y बराबर 6:5, बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि 5x + 3y, उसके बाद दिया हुआ है अनुपात, यहाँ देखिए अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है 5x - 3y का वैल्यू पूछा है शायद, हाँ वैल्यू पूछा है, क्या होगा कोई नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे तो 5 और गुना x का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है, और प्लस में 5 और गुना y का वैल्यू कितना हो गया, दोनों में 5 ही था, नहीं यहाँ पे 3 था जी, बस यहाँ गलती कर दी हम, 3 था, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे 3 कर देंगे, गुना y का वैल्यू कितना है 5 आ जाएगा, फिर अनुपात लिख देंगे 5, इसको हम बंद कर देते हैं थोड़ा, अनुपात 5 का वैल्यू लिख देंगे, x का वैल्यू कितना 6 है, 6 लिख देंगे, फिर माइनस से 3 x का वैल्यू कितना है, सॉरी y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू 5 है। सॉल्व करेंगे 6 5 आ गया 30, 5 3 आ गया 15, यानी जोड़ेंगे तो 45, कोई नहीं 6 5 आ गया 30 और 5 3 आ गया 15, इसे जोड़ेंगे घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, यानी 45 और ये आ गया 15, तो 1:3:1 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आप इसे सॉल्व, मतलब ऑप्शन नंबर बी आप इसे आंसर बता सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए देखें। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका किसका है, तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका क्या दिया हुआ है, वैल्यू पुटिंग ही दिया हुआ है, वैल्यू पुट करके आंसर गेट कर सकते हो, लेकिन इसका थोड़ा तरीका चेंज है, तरीका क्या है देखिएगा ध्यान से, तरीका आपका क्या है कि x और प्लस y का वैल्यू x प्लस y अनुपात x माइनस y बराबर 4:1 दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर इंटू सॉरी अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आपका x और y का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, कर सकते हो, लेकिन पहले इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या है, यहां पर देखिए x प्लस y अनुपात x माइनस y इज इक्वल टू 4:1, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम चेक करना चाहें तो x प्लस y और बट्टा x माइनस y बराबर लिख सकते हैं 4:1, कोई दिक्कत, यानी x प्लस y का वैल्यू 4 और x माइनस y का वैल्यू 1, है ना, x प्लस y का वैल्यू 4 और x माइनस y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, या द्विघात समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे सॉल्व करेगा तो x प्लस y अब बराबर में हो जाएगा 4x - 4y, अगर इसे आप इधर लाएं, तो क्या हो जाएगा, यानी y को इधर लाइए, इसी को लाते हैं, ये y को इधर लाइए, तो 4y
और प्लस में वाई यानी टोटल का टोटल 5y, 4x माइनस में x टोटल का टोटल यानी देख सकते हैं कि 5y बराबर हो गया आपका 3x, यानी y y x हो जाएगा कितना, y अपॉन x हो जाएगा कितना 3/5, 3/5 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, लग रहा था बस हार्ड। अब पूछा क्या है उसे देखते हैं, तो उसे देखते हैं तो x स्क्वायर का यानी क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और उसी तरह लिया हुआ है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, y का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट कर रहे हैं, x का वैल्यू फिर से x 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है 25 और 9, 9 5 14 आपका 34 हो जाएगा और यहाँ 25 और 9 यानी कितना में हम जोड़ेंगे तो ये आपका 16 आ गया, यानी बोल सकते हैं 17:8 आपका राइट आंसर होगा, नहीं होगा तो 17:8 कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिसे आप द्विघात समीकरण में भी ले जा सकते थे, बिना द्विघात समीकरण के आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर भी वैल्यू निकाल सकते थे, क्योंकि यहां से मान सकते थे x + y = 4, x - y = 1, आप इसे करिएगा y से y कैंसिल होगा 2y बराबर हो जाएगा, बहुत सारा झमेला था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू क्यों ना अपनाएं, क्योंकि यहां अनुपात दिया हुआ था, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था कि x और y का वैल्यू दिया हुआ, x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, क्यों हम द्विघात समीकरण के चक्कर में पड़ने जाए। तो ये वाला ट्रिक अपना सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किस नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था ये, शायद 21 नंबर ही था, हम लिखना भूल गए थे 21 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन भी वैल्यू पुटिंग है, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिया जा रहा है, तो 22 नंबर क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, उसका आंसर निकाल करके आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा कि इसका आंसर इतना आया, फिर आपको लाएंगे अगले वीडियो में, मिलेंगे आप लोग के लिए अगले क्वेश्चन के साथ, इसके आगे जो 21 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है इसके आगे मिलेंगे। तो वीडियो के साथ हमारे बने रहिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, तब तक।